हेलो गाइस, कैसे हैं आप? माय नेम इज विवेक धर्मशी और आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। और ये जो वीडियो है ये है कंपनीज एक्ट 2013 के चैप्टर 3 प्रोस्पेक्टस। यस, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज इज चैप्टर 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं क्या कहता है ये चैप्टर और क्या क्या चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं। Now, prospectus and allotment of securities जो है, it starts from section 23 to 42। लेकिन इस चैप्टर के अंदर भी मैंने मेरे कुछ चार ब्रेकअप्स किए हैं। अगर आपको prospectus related चीजें चेक करनी है तो ये sections पर फोकस देना है। अगर आपको allotment of securities पर फोकस देना है तो इट इज सेक्शन 39। अगर आपको पेनल्टीज देखनी है इस पर्टिकुलर चैप्टर की, क्या पेनल्टीज है, तो यू शुड गो फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। और अगर प्राइवेट प्लेसमेंट को समझना है तो देन यू शुड गो फॉर सेक्शन 42। I will also bring to your notice कि ये जो sections हैं, ये हमारे syllabus में excluded हैं। तो जब आप अपने CA की exams के लिए पढ़ाई करें, तो इन sections को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैंने मेरे parts जो मैंने बनाए हैं पहले, इसमें ये sections को cover किया है। Knowledge लेने में क्या जाता है कि क्या था क्या नहीं, but still जब जब अपने exam के लिए पढ़ें, तो you can ignore these sections। Next, I will also like to bring to your notice कि ये जो video है, ये video हमारा पार्ट 4 है। यस, दिस इज पार्ट 4। और इसके पहले हमने पहले से 3 पार्ट्स बना लिए हैं। तो अगर आप 2 मिनट देखें, सेक्शन 23, 24, 26 और 29, ये जो पार्ट्स है ये मैंने मेरे पार्ट 1 में खत्म किया। हमारे पार्ट 1 में ये सेक्शंस थे, ध्यान से देखना, ये सेक्शंस हमने पार्ट 1 में खत्म किए। उसके बाद हमने पार्ट 2 में ये सेक्शंस को खत्म किया। पार्ट 2 वी फिनिश्ड विद 31, 32 एंड 33। नेक्स्ट इन पार्ट 3 वी कवर्ड सेक्शन 25, सेक्शन 27 एंड सेक्शन 28। ये हमारा थर्ड पार्ट में हुआ है। और अब गाइस, जो हम ये वाला पार्ट है, जो पार्ट 4 है, इसमें कौन से सेक्शंस को कवर करने वाले हैं? इसमें हम कवर करने वाले हैं सेक्शन 34, सेक्शन 35, सेक्शन 36, सेक्शन 34, 35 और 36 एंड 37। 38 जो है वो हमने हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में लेकिन फिर भी एक ब्रीफ आइडिया बता दूंगा। सो हम लोग इस पार्ट में एक्चुअल में क्या करने वाले हैं? यस, हम लोग ये वाले जो पार्ट है इसमें पेनल्टीज को कवर करने वाले हैं। यस, तो पेनल्टीज पर आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो कि अगर आपने प्रोस्पेक्टस में कोई पेनल्टीज तोड़ी है या करी है तो उसके रिलेटेड क्या होगी। नाउ पहली बात समझिए, पेनल्टीज आप पर प्रोस्पेक्टस में कब लागू होती है? पेनल्टीज आप पर लगेगी अगर आपके तरफ से कोई मिसस्टेटमेंट है प्रोस्पेक्टस के अंदर। अब मिसस्टेटमेंट का मतलब है ऐसी कोई चीज जो झूठ है या एक्यूरेट नहीं है। ये एक तो जानबूझ से हो सकता है या एक तरह से आपने ओमिट कर दिया, मतलब उसमें बताया ही नहीं। याद रखिए कि हमारा जो ये मिसस्टेटमेंट का जो पार्ट है, इसके अंदर स्पेसिफिकली 2 मेन पेनल्टीज हैं, सेक्शन 34 एंड सेक्शन 35। सेक्शन 34 में क्रिमिनल लायबिलिटी है, सेक्शन 35 में सिविल लायबिलिटी है। प्लीज मेक नोट ऑफ दिस। हालांकि सेक्शन 36 और 37 भी पेनल्टीज पर है, लेकिन 2 मेन सेक्शंस जिस पर हमें खास कर फोकस देना है वो है 34 एंड 35। Obviously, civil liability is governed by CPC 1908 and criminal liability is governed by Criminal Procedures 1973. यहां पर liability का claim करने के लिए loss और damage होना is essential. Criminal के लिए mens rea मतलब guilty mind होना जरूरी है. The offense is against the counterparty and यहां पर the offense is regarded as if you have committed against the whole society, against the whole state. तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं क्या पेनल्टीज हैं और ये प्रोस्पेक्टस में जब हम जानबूझ से कुछ गलत बातें बता देते हैं जिससे लोगों को नुकसान हो जाए तो हमें किन पेनल्टीज का नुकसान भुगतना पड़ जाएगा। नाउ इफ यू सी दिस ब्यूटीफुल चार्ट, यहां पर है सेक्शन 34,
और यहाँ पर है सेक्शन 35, 34 एंड 35 क्रिमिनल एंड सिविल लाइबिलिटी। अब सेक्शन 34 क्या कहता है, सेक्शन 34 कहता है अगर आपने कुछ मिसलीडिंग या झूठ बातें प्रोस्पेक्टस में लिखी, अगर आपका कोई स्टेटमेंट है प्रोस्पेक्टस में जो झूठ है, या आपने सीधा सीधा उसे ओमिट ही कर दिया। ओमिट कर देना मतलब क्या, मेंशन ही नहीं करना। यस, मेंशन ही नहीं करना। तो रूल कहता है हर वो व्यक्ति जिसने ये प्रोस्पेक्टस इशू करने का ऑथोराइज किया था, ध्यान से देखिए, हर वो व्यक्ति, अरे अरे, हर वो व्यक्ति जिसने ये प्रोस्पेक्टस इशू करने का ऑथोराइज किया था, ही विल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 447। बड़ा ही खतरनाक, क्या बोल दिया, मैं एक बार फिर से बोलता हूं, अगर आपके प्रोस्पेक्टस में ऐसा कोई स्टेटमेंट है जो मिसलीडिंग है, झूठ है, इट इज नॉट इन इट्स ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट, या आपने ओमिटिच कर दिया, मतलब बताना चाहिए था बट आपने नहीं बताया, तो अब ऐसा हर व्यक्ति जिसने ये प्रोस्पेक्टस इशू करने का ऑथोराइज किया था उस पर सेक्शन 447 लग जाएगा। अब ये सेक्शन 447 क्या है, यस, सेक्शन 447 क्या है, तो आप देख सकते हैं यहां पर सेक्शन 447 में तो कैसी कैसी पेनल्टी है। सेक्शन 447 में बोला है पेनल्टी लगेगी इक्विवेलेंट टू फ्रॉड की अमाउंट, मिनिमम जो आपने फ्रॉड किया है वो आपकी उतनी इक्विवेलेंट अमाउंट आपकी मिनिमम पेनल्टी रहेगी, मैक्सिमम आपने जितना भी फ्रॉड किया उसका 3 गुना, और याद रखिए यहां पर एंड नहीं, सॉरी यहां पर और नहीं, एंड है, और आपको 6 महीने तक मिनिमम जेल, और अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट में है तो ऑब्वियसली यही 6 महीने आपके लिए 3 साल हो जाएंगे, और मैक्स मैक्स 10 साल तक भी जा सकता है। श्योर अबाउट दिस, अगर आप 2 मिनट इसका यहां पर चार्ट देखें, तो हमने यहां पर ये पूरा चार्ट बना के रखा है कि सेक्शन 447 के तहत प्रोस्पेक्टस के रिलेटेड कैसी पेनल्टी रखती है। तो ध्यान से रखिए, अगर आपका जो टर्नओवर है वो फ्रॉड जो है वो 10 लाख से कम है और 1% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लेस, तो आप पर फाइन 50 लाख तक की लग सकती है और है, और अप टू 5 साल तक का जेल है। तो पहली कैटेगरी में अगर आपकी फ्रॉड की अमाउंट इतनी है तो ऐसा होगा। दूसरा कहता है अगर आपकी फ्रॉड की अमाउंट 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा है और 1% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लेस, तो यहां पर अब आपकी फाइन हो जाती है मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रॉड, मैक्सिमम फ्रॉड का 3 गुना, और अब और नहीं एंड हो गया है, मतलब मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 10 साल। और यही चीज अगर पब्लिक इंटरेस्ट के रिलेटेड हो तो पेनल्टी तो सेम है, लेकिन ये जहां पर ये मिनिमम 6 मंथ्स है अब वो हो जाएगा मिनिमम 3 साल। तो बहुत भयानक है पेनल्टी, कभी भी करने से पहले 4 बार नहीं 40 बार सोचना कि क्या हमें प्रोस्पेक्टस में कुछ झूठ लिखना है, या प्रोस्पेक्टस में ऐसी कोई चीज जो हमने लिखनी चाहिए वो हमने ओमिट करना है क्या। अगर किया तो आप पर ये पेनल्टी आ सकती है सेक्शन 447 में, ध्यान से देख लेना है, मिनिमम अमाउंट फ्रॉड का या 3 गुना ऑफ द फ्रॉड का आपको भर के देना है, और याद रखना 447 में और नहीं एंड है, मतलब पेनल्टी भी भरनी है और जेल भी जाना है। श्योर अबाउट दिस, पक्का। तो ये आपका क्रिमिनल लाइबिलिटी के ऊपर हमने चर्चा किया, लेकिन यहां पर मैंने लिखा है डिफेंस। अभी डिफेंस का मतलब क्या है, डिफेंस का मतलब अगर समझो किसी पर क्रिमिनल लाइबिलिटी आती है तो वो ये सेक्शन 34 में जो लिखा है कि भैया आप पर सेक्शन 447 के तहत ऐसी पेनल्टी और ऐसी इंप्रिजमेंट हो जाएगी, आप उससे बच सकते हैं। अब आप कैसे बचेंगे, रूल कहता है अगर आप ये साबित कर दें कि जो आप बताना भूल गए, जो आप बताना भूल गए, जो आपने ओमिट कर दिया वो इमटेरियल है, मतलब आपने सामने प्रूफ कर दिया कि मैंने जो नहीं लिखा है ना प्रोस्पेक्टस में वो इतना भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं था कि आप मुझे सेक्शन 447 लगा दे, अगर आप ये प्रूफ कर दो, या आप ये प्रूफ कर दो कि मैंने जो प्रोस्पेक्टस में लिखा आई सच्ची बिलीव इट टू बी ट्रू, मतलब आपको नहीं लगा कि जो आप लिख रहे हो वो गलत है, आप जब तक प्रोस्पेक्टस इश्यू होने तक जा रहा था तब तक आपको ये लग रहा था कि जो मैंने प्रोस्पेक्टस में लिखा है ना दैट इज राइट, दैट इज ट्रू, आपको नहीं लगता कि आपने जो लिखा है वो गलत है, तो ऐसे समय पर सेक्शन 34 के अंदर आप पर सेक्शन 447 नहीं लगेगा। क्लियर है, श्योर अबाउट दिस, पक्का। क्या आपको सेक्शन 34 क्रिमिनल लाइबिलिटी समझ में आई, पक्का। बढ़ जाऊं आगे,
अब सेक्शन 35 में क्या है, सेक्शन 35 कहता है अगर आपका कोई स्टेटमेंट और ओमिशन आपका कोई स्टेटमेंट है जो मिसलीडिंग था और उससे लोगों को डैमेज हो गया, उससे लोगों को नुकसान पहुंचा है, तो याद रखना है एवरी कंपनी डायरेक्टर, प्रपोज डायरेक्टर, प्रमोटर एंड एक्सपर्ट्स हु हैव ऑथराइज्ड, गाइस ये सब के सब लाइबल रहेंगे, ऑल विल बी लाइबल फॉर दिस। सो जैसे सेक्शन 34 में तो कंपनी नहीं था, लेकिन सेक्शन 35 में अब कंपनी भी आ गया है, डायरेक्टर भी आ गया है, पर्सन हु हैव ऑथराइज्ड देमसेल्व्स टू बी नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टस है, प्रमोटर है, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने प्रोस्पेक्टस की इशू का ऑथराइजेशन किया था, एक्सपर्ट्स हैं, ये सब के सब लायबल हो जाएंगे। और याद रखना दे हैव टू कंपेंसेट द इन्वेस्टर फॉर ऑल द लॉस दैट दे हैव इनकर्ड। आर यू गेटिंग दिस? श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी आपको बोलेंगे सर हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। याद रखना सेक्शन 35 इतना खतरनाक है कि सेक्शन 35 में आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। यस, आपकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहेगी। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई माय लायबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू दिस मच एंड दैट मच। इट इज यूर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल एंड इट इज विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी। यू हैव टू कंपेंसेट ईच एंड एवरी इन्वेस्टर जिसको आपके लिखे स्टेटमेंट से लॉस हुआ है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? लेकिन ऑब्वियसली लॉ ने बनाया है, आप इस सेक्शन से बच सकते हो, लोगों को कंपेंसेशन से बच सकते हो, अगर आप ये प्रूव कर दें कि मैंने जो कंसेंट, मैंने जो स्टेटमेंट जो प्रोस्पेक्टस में डालने के लिए दिया था वो प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले मेरा कंसेंट मैंने हटा दिया था। अगर आप ये प्रूव कर दें कि चलो मैंने एक स्टेटमेंट बोला कि आप मेरे नाम पर स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में डालिए, लेकिन मुझे बाद में पता चल गया कि अरे ये स्टेटमेंट तो गलत है, तो मैंने कंपनी को तुरंत इशू करने से पहले चिट्ठी लिखी थी, इन्फॉर्म किया था कि मेरे नाम पर ये स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में ना लगाया जाए, मैं मेरी कंसेंट को विड्रॉ कर रहा हूं। अगर आप ऐसा प्रूफ कर दें तो आप बच जाएंगे। आई बात समझ में? श्योर अबाउट दिस? पक्का? या तो फिर आप प्रूफ कर दो कि मेरी परमिशन के बिना ही ये इशू हो गया है, द प्रोस्पेक्टस वॉज इशूड विदाउट माई नॉलेज, विदाउट माई कंसेंट, एंड मुझे जब भी इसके बारे में पता चला मैंने इसकी पब्लिक नोटिस भी दी थी। याद रखना इसमें दो चीजें हैं, चार्ट में नहीं लिखा है, मैं बोल रहा हूं आप लिख लेंगे, एक प्रोस्पेक्टस आपकी नॉलेज के बिना इशू हो गया था, और दो जब आपको इसके बारे में पता चला तो आपने पब्लिक को भी नोटिस दी। अगर आप ये कर लेंगे तो आप सेक्शन 35 से बच सकते हैं। क्लियर है? सो 34 के अंदर क्या पेनल्टी है? 447। 35 के अंदर क्या पेनल्टी है भैया? कंपेंसेशन टू एवरी इन्वेस्टर। अब तो वो कंपनी डायरेक्टर, प्रपोज डायरेक्टर, प्रमोटर, पीपल हैव ऑथराइज्ड, एक्सपर्ट सब आ गए, लायबिलिटी पर्सनल है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। श्योर अबाउट दिस? तो क्या ये दो सेक्शंस क्लियर हो गए, 34 एंड 35, क्रिमिनल एंड सिविल? अब सेक्शन 36 क्या कहता है? सेक्शन 36 कहता है पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंटली इंक्लूडिंग पर्संस टू इन्वेस्ट मनी, इट इज नॉट इंक्लूडिंग, इट इज इंड्यूसिंग, इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी। अब ये इंड्यूस करना मतलब होता है ना, हम लोगों को ऐसे अटकाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना बाटली में उतारना। तो अभी आप क्या करते हो, आप है ना कोई रेकलेस स्टेटमेंट, प्रॉमिस या फोरकास्ट देते हो, मिसलीड करते हो, जिससे लोग उस कंपनी के शेयर्स खरीदे। मतलब समझिए थोड़ा सा, आपने क्या, अभी ये सेक्शन में देखिए कैसे अटकोगे, इसमें हो सकता है कि आप ऐसे कुछ रेकलेस स्टेटमेंट्स, मतलब क्या, ऑब्जर्व विदाउट एनी फैक्ट्स, विदाउट एनी अजम्पशंस, विदाउट एनी प्रूफ एविडेंस, जो आया अबड़ धबड़ मन में जो आया बोला, मतलब कैसे आप कैसे करेंगे, देखिए आप ऐसा लोगों को जस्ट बिकॉज कि आपका इशू जो है वो सक्सेसफुल हो, आप लोगों को ऐसा बोलते फिर रहे हो कि अरे तू ये कंपनी के शेयर्स खरीद ले, अगर तूने इस कंपनी के शेयर्स खरीद ले ना 3 महीने के अंदर ये डबल हो जाएगा, दिस इज अ रेकलेस स्टेटमेंट। या आप ऐसा कुछ भी झूठ प्रॉमिस दे रहे हो, अरे तू बिंदा सब्सक्राइब कर, पूरा वेल्थ अपना डाल दे, नहीं हुआ तो मैं भर के देगा। या आप कुछ गलत एकदम अब्सर्ड एक्सपोनेंशियल फोरकास्ट कर रहे हो कि ये कंपनी का रेवेन्यू 2 साल में देखना 20 गुना हो जाएगा, मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स पास करना, और आपके स्टेटमेंट को सुनकर अगर लोगों ने अपना हार्ड अर्न मनी इस कंपनी में लगा दिया
और फिर उसको अगर नुकसान हो जाता है तो भैया आप याद रख लो आप पर तो आ जाएगा 447। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? अब ये किस चीज के लिए हो सकता है? आप ये स्टेटमेंट जो है ये गलत सलत क्यों दे रहे हो? तो हो सकता है कि इट इज आइदर टू अक्वायर द शेयर्स और डिस्पोज द शेयर्स और मेक पीपल सब्सक्राइब द शेयर्स और यू नो समथिंग विद रिस्पेक्ट टू अंडरराइटिंग इट इज, और या आप तो क्रेडिट फैसिलिटी लोन लेना है या यू नो प्राइस को मैनिपुलेट कर आपको अपना प्रॉफिट बनाना है, शेयर्स में ज्यादा ट्रेडिंग हो, तो ये सब चीजें यार टू अक्वायर और यू नो सेल या टू मेक पीपल सब्सक्राइब या टू अंडरराइट या यू नो बैंक से कोई क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाए कुछ बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या प्राइस के वोलेटाइल मूवमेंट से आपको कोई फायदा पहुंच जाए, इसलिए आप लोगों को उचका रहे हो, गलत सलत स्टेटमेंट दे रहे हो। तो रूल कहता है सेक्शन 36 में अगर ऐसे कोई स्टेटमेंट देना, झूठ फोरकास्ट करना, झूठे वादे देना और लोगों को उत्साहना कि वो अब कंपनी के शेयर्स खरीद ले, तो आप पर फिर से सेक्शन 447 लग जाएगा। Sure about this? पक्का? The last section of this part, section 37. Section 37 क्या कहता है? Section 37 कहता है कि a suit may be filed, मतलब case file होगा, और any other action can be taken under section 34, 35 and 36. अभी ये तीन section किए ना हमने, ये देखिए ये 36 किया, ये 35 किया, ये 34 किया, तो 34, 35, 36 के खिलाफ एक इन्वेस्टर सूट फाइल कर सकता है, ये लिखा है सेक्शन 37 में, बाय एनी वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब कोई एक व्यक्ति या ग्रुप या उनका एक एसोसिएशन अफेक्टेड बाय सच मिसलीडिंग स्टेटमेंट और इंक्लूजन और ओमिशन इन द प्रोस्पेक्टस। अब ये नॉर्मली ये जो है इसका मतलब क्या है, दे वॉन्ट टू से यू कैन गो फॉर अ क्लास एक्शन सूट्स या क्लास सूट्स एक्शन, क्लास सूट्स, ये क्लास एक्शन सूट्स या क्लास सूट एक्शंस जिसे हम बोलते हैं, ये क्या होता है? ये होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट थोड़ा सा चाहिए तो आपको दो मिनट बता दूं, एक कंपनी है और उसने अभी फ्रॉड किया आपको पता चल गया, ठीक है, अब देखिए गाइस उसके करोड़ों लोग हैं, यस शेयर होल्डर्स, और समझ के चलिए कि 500 लोगों को जो है पब्लिक 500 लोग हैं और उनको फ्रॉड, उनको नुकसान हुआ है, उनको लॉस हुआ है। अब थोड़ा सोचिए ये कोर्ट है, अब अगर ये व्यक्ति कंपनी पर केस कर रहा है, कोर्ट में जाकर केस फाइल कर रहा है, फिर ये कंपनी भी कंपनी पे केस कर रहा है, फिर ये कंपनी पर केस कर रहा है, ये कंपनी पे केस कर रहा है, ऐसे गाइस अगर 500 लोग कंपनी पर केस करेंगे तो थोड़ा समझिए इट इज नॉट वाइबल ना, कोर्ट के लिए भी इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द सिचुएशन इज सेम, द फैक्ट्स आर सेम, द सर्कमस्टांसेस आर सेम, द डिफेंडेंट इज सेम। तो फिर अब रूल क्या होता है, आजकल अब क्लास सूट्स होती है, क्लास एक्शन सूट्स होती है, मतलब क्या होता है ये 500 के 500 लोग मिलकर, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये 500 के 500 लोग क्या करते हैं, मिलकर एक ही केस फाइल करते हैं, ऑल दीज पीपल विल कम टूगेदर एंड दे फाइल ओनली वन केस इन द कोर्ट अगेंस्ट द कंपनी, सो इट बिकम्स वेरी इजी, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है एक इन्वेस्टर के लिए कि भैया मेरे तो समझो 40-50 हजार रुपए अटके हैं, अब वो अकेला केस लड़ने जाएगा तो कितना समय लगेगा, लॉयर को हायर करेगा, क्या पैसा मिलेगा और क्या देगा। तो क्लास एक्शन सूट्स बिकम्स वेरी इजी वेयर ओनली अ वन पर्सन लॉयर विल बी यू नो रिप्रेजेंटिंग ऑल दोस 500 पीपल एंड एक ही केस होगा कंपनी में, कोर्ट के लिए भी अच्छा, कंपनी के लिए भी अच्छा और हमारे लिए भी अच्छा। समझ में आ रहा है? तो 37 में क्या कहा है कि आपको चाहिए तो आप ये ग्रुप ऑफ पर्सन या एसोसिएशन मतलब क्लास एक्शन सूट्स भी फाइल कर सकते हो अंडर 34, 35 और 36, आइदर अ केस कैन बी फाइल और एनी अदर एक्शन सूटेबल कैन बी टेकन टू रिकवर योर मनी अगर आपके आपको कोई लॉस हुआ है ड्यू टू सम मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स इन द प्रोस्पेक्टस। श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? सो मिसस्टेटमेंट्स इन प्रोस्पेक्टस पर हमने फोर सेक्शंस करे, सेक्शन 34, सेक्शन 35, सेक्शन 36 एंड सेक्शन 37। आई होप आप ये पूरा चार्ट अपने बुक्स में बना लेंगे, एकदम अच्छी तरह से बना लीजिए, और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक दिस प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।